Good morning everyone and welcome to Nav Bharati family. So today I'm gonna teach you about the second chapter of class 10th, that is Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. This is actually an autobiography about Nelson Mandela. He was the first black president of South Africa. And now we will gonna study about him. Nelson Mandela ka pura naam kya tha? Nelson Rolly Hala Hala Mandela. Theek hai? So let's start with the chapter before you read. Apartheid is a political system that separates people according to their race. Apartheid एक political system है जो कि लोगों को उनके race के according, कि वो color के according racist जो लोग होते हैं उनके according उनको separate अलग अलग करते हैं. ठीक है कि black people and white people. Can you see which of three countries named below had such a political system until very recently? United States of America, South Africa and Australia. इन तीनों में से कौन सी कंट्री में जो apartheid वाली सिस्टम, apartheid सिस्टम कहाँ पे अभी फॉलो होती है? This is just an activity. And now, have you heard of Nelson Mandela? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. See, apartheid is a negative political system. तो नेल्सन मंडेला क्या है? He was black, है ना? तो apartheid system को हटाने के लिए नेल्सन मंडेला ने काफी fight करी है, ठीक है? और उसकी जो African supporters थे, उसके जो friends थे, उन्होंने मिलके इस system को पूरी तरीके से हटाने के लिए काफी कुछ करा है. Mandela had spent 30 years in prison. मंडेला ने 30 साल जेल में गुजारा है. फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका 1994 एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन. 30 साल जेल में गुजारने के बाद 1994 में जो मंडेला है वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बना था साउथ अफ्रीका का. In this extract from his autobiography Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. ये जो है ऑटोबायोग्राफी नेल्सन मंडेला की, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. अब देखो नाम से ही हमें पता चलता है फ्रीडम की ओर बढ़ावा, जो फ्रीडम कैसे नेल्सन मंडेला ने अचीव करी. क्योंकि ऑब्वियसली बात है रेसिस्ट जो सिस्टम था, रेसिज्म बहुत बहुत ज़्यादा पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा लोग रेसिज्म को प्रायोरिटी देते थे. ब्लैक पीपल वाइट पीपल साथ में रह भी नहीं सकते थे. तो ये चीज हटाने के लिए नेल्सन मंडेला ने काफी स्ट्रगल करा है, काफी फाइट करी है. 30 साल जेल में रहने के बाद ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. तो एक ओकेजन हुआ था नेल्सन मंडेला के टाइम पे, द इनॉग्रेशन. तो इस चैप्टर में उस इनॉग्रेशन के बारे में हमको बताया गया है. कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? वी विल स्टडी अबाउट इट लेटर. Now, Nelson Mandela becomes South Africa's first black president. Nelson Mandela had become South Africa's first black president, as I told you, after more than 3 centuries of white rule. मतलब 3 centuries तक white rule, मतलब जो गोरे लोग जो थे ना, white लोग थे, मतलब हमेशा से white लोग ही president बनते थे. 3 centuries तक white लोगों के rule करने के बाद फाइनली एक फर्स्ट टाइम जो ब्लैक हमारा प्रेसिडेंट था, इफ आई एम सेइंग ब्लैक दैट मीन्स ही हिज कलर वाज ब्लैक, ऑलराइट. तो वो बना था फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, नॉट फर्स्ट प्रेसिडेंट. मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एएनसी पार्टी वॉन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री. साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में 400 सीट में से 252 सीट्स नेल्सन मंडेला की जो अफ्रीकन पार्टी थी वो जीत गई थी. द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस एट द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे. अब देखो इसके अंदर ना उस टाइम पे जो इवेंट हुआ था उसकी हम एज अ प्रेजेंट हम बात करेंगे. द इनॉग्रेशन सेरेमनी took place in the Union Buildings Amphitheater. Amphitheater means, Amphitheater का मतलब होता है huge theater, विशाल, बहुत बड़ा theater, huge theater. तो जो inauguration की जो ceremony है वो Union Building के amphitheater में
आज होगी हो रही है प्रेटोरिया इज द नेम ऑफ प्लेस अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज डिग्नेटरीज मतलब उच्च पद पे जो लोग हैं वो फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड अब पूरे दुनिया में 140 कंट्रीज के अलग अलग पॉलिटिशियंस इस इनॉग्रेशन में है अलग अलग डिग्नेटरीज मतलब हाई डेजिग्नेशन वाले लोग भी इस इनॉग्रेशन में है सेरेमनी में है नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर नेल्सन सेंड नेल्सन मंडेला इन द एड्रेस नेल्सन मंडेला क्या बोलता है कि कभी भी अब ऑपरेशन मतलब टॉर्चर नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड इतना सुंदर लैंड आज के बाद इसके ऊपर मतलब कोई भी एक दूसरे पर टॉर्चर नहीं करेगा मंडेला एड्रेस्ड मंडेला ने ये बात बोली है कि इतने सुंदर जगह पर इतने सुंदर लैंड पर अब कोई भी एक दूसरे को टॉर्चर नहीं करेगा ऑपरेशन बाय मीन टॉर्चर ऑलराइट जुबिलेंट सीन ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड बाय द सेरेमनी विद ब्लैक्स व्हाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर जुबिलेंट मतलब जॉयफुल हैप्पी और यू कैन से जॉयफुल खुश जुबिलेंट सीन्स मतलब खुशी एकदम जॉयफुल सीन्स ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड बाय द सेरेमनी ब्लैक्स व्हाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर ब्लैक पीपल व्हाइट पीपल अलग अलग तरह के अलग अलग कास्ट के रेस के लोग एक साथ मतलब खुशी खुशी प्रिटोरिया स्ट्रीट पर सेलिब्रेट कर रहे हैं सेरेमनी को इंजॉय कर रहे हैं मोर देन 1 lakh साउथ अफ्रीकन मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस विद जॉय 1 lakh से भी ज़्यादा साउथ अफ्रीका के आदमी औरत और बच्चे सब खुशी से गाना गा रहे हैं और डांस कर रहे हैं Tenth May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by the dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. Mandela is saying that जो 10th May the day of inauguration बहुत ही साफ और सुंदर दिन है और काफी पिछले कुछ दिनों से मैं besieged मतलब घिरा हुआ यहाँ पे लिखो to be surrounded closely by लोगों से घिरा रहना पिछले कुछ दिनों से मैं डिग्निटरीज एज आई टोल्ड यू डिग्निटरीज मतलब ऊंचे पद के जो लोग हैं वो हाईली डेजिग्नेटेड और वर्ल्ड लीडर्स से घिरा हुआ हूँ जो कि आज इनॉग्रेशन में आएंगे टू पे देयर रिस्पेक्ट द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर इनॉग्रेशन अब तक का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट गैदरिंग होगी लोग बहुत मतलब फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा होगा कि साउथ अफ्रीका के मिट्टी पर लोग एक साथ इकट्ठा होंगे इतने सारे इंटरनेशनल लीडर्स एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया जो सेरेमनी है वो प्रिटोरिया की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में एक विशाल थिएटर एम्पी थिएटर मतलब विशाल थिएटर के अंदर होगी फॉर डिकेट्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी डिकेट्स क्या होता है 10 साल का जो टाइम पीरियड होता है ना उसको हम एक डिके बोलते हैं 1 decade ओके सो डिकेट काउंट एज टाइम पीरियड ऑफ 10 years टाइम पीरियड ऑफ 10 years तो 10 साल के बाद 10 साल जब वाइट लोगों के रूल करने के बाद ऐसा फर्स्ट टाइम होगा कोई साउथ अफ्रीका का ब्लैक पर्सन इस जगह पे अब आएगा एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग कलर्स एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशन गवर्नमेंट अब देखो
पिछले सालों तक क्या होता आ रहा है कि साउथ अफ्रीका एक ब्लैक पीपल की कंट्री है, वहाँ पे सारे लोग ब्लैक हैं ज़्यादातर, लेकिन उसको कौन रूल करता आ रहा था? वाइट पीपल, क्योंकि वाइट पीपल ने कभी चांस ही नहीं दिया। रेसिज्म तो इतना ज़्यादा था ना कि ब्लैक पीपल को कोई ना सपोर्ट करता था ना उनका उनको कोई ध्यान देता था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम कोई ब्लैक पीपल प्रेसिडेंट बना है, एक ब्लैक इंसान साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बना है। अब ऑब्वियसली बात है, उसने जब से वो बड़ा होता, मंडेला जब से बड़ा होता आ रहा है, उसने काफ़ी फाइट करी है रेसिज्म को लेके, ठीक है। अब वो सारा जो रेसिज्म है वो सब हटा देगा, अपनी साउथ अफ्रीका को वो डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहता है, ठीक है। इनॉग्रेशन में 10 साल के बाद, 10 साल किसने? वाइट लोगों ने रूल करा, ठीक है। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब भाई अलग अलग कलर्स के लोग आएंगे उसके इनॉग्रेशन में, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, नॉन रेशियल, फर्स्ट नॉट कंट्री, साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। क्योंकि ब्लैक, जब हमारा प्रेसिडेंट ही ब्लैक है तो वो क्यों अब क्यों रेसिज्म करेगा? ऑन द लवली ऑटम डे आई वॉज अकॉम्पनीड बाय माई डॉटर जनानी। जनानी वॉज डॉटर ऑफ मंडेला। ये देखो ऑटोबायोग्राफी है, दिस इज नॉट रिटन बाय मंडेला बट इट हैज बीन रिटन बाय समबडी एल्स ऑन द बेसिस ऑफ मंडेला, ठीक है। तो ये हम ये जो सारी बात है ना, ये मंडेला बोल रहा है, ठीक है। इफ आई एम सेइंग आई एंड आई, यहाँ पे कौन है? यहाँ पे आई है मंडेला, ठीक है। On the lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zanani. Autumn वाले दिन मैं अपनी बेटी के साथ था, Zanani. Accompanied मतलब कंपनी देना, ठीक है। और Mr. D. Clerk was first sworn in as second deputy president. Second deputy president कौन थे? Mr. D. Clerk. Then he is Nelson Mandela. Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. First deputy president कौन बने? Mr. Thabo. When it was my turn, जब मेरा turn आया, I pledged to obey and uphold the constitutions and to devote myself to the well-being of republic and its people. जब मेरा मैंने शपथ ली तो मैंने ये शपथ ली कि मैं सारे rules obey करूँगा, सबके rules follow करूँगा, constitution और सारे लोगों को एक साथ बांध के रखूँगा। मैं अपने आप को पूरा, मेरा मतलब he was trying to say that मैं अपने आप का पूरा 100% दे दूंगा लोगों में, उनकी खुशी के लिए, उनके वेलबींग के लिए, उनके रहन सहन के लिए। टू द सैम्पल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, और जो लोग उसको देख रहे थे और जो गेस्ट आए हुए थे, फिर नेल्सन मंडेला कहता है उसकी जो स्पीच हम देखते हैं, उसने क्या बोला था? टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फेयर ग्लोरी, कन्फेयर मतलब हियर गिव, confer glory and hope to newborn liberty. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. अब नेल्सन मंडेला स्पीच दे रहा है, आज हम सब यहाँ पे आए हैं, ठीक है, confer glory एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, जो हमारी न्यू बॉर्न लिबर्टी है उसको एक होप और उसको होप देने के लिए। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, मतलब काफी हमने ह्यूमन डिजास्टर मतलब ट्रेजिडी, डिजास्टर मतलब ह्यूज ट्रेजिडी, और यू कैन से जस्ट ट्रेजिडी, इतनी ट्रेजेडी ह्यूमन डिजास्टर एक्सपीरियंस करने के बाद जो काफी समय तक रही, ठीक है, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। अब हम ऐसी सोसाइटी बनाएंगे, अब ऐसी सोसाइटी बनेगी जिसमें सारी ह्यूमैनिटी, सारी इंसानियत गर्व करेगी। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। With we who were outlaws because of its policy of apartheid, many countries had earlier broken off diplomatic relationship with South Africa.
वी हुअर आउटलॉज. आउटलॉज इसमें क्या है, वी हुअर आउटलॉज का मतलब बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी, जो एक पॉलिसी आई थी अपार्थिट, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताई थी अपार्थिट पॉलिसी जो थी, उसमें क्या था, ब्लैक पीपल और वाइट पीपल दोनों को ना अलग अलग कर देते थे. ठीक है, तो इस जब ये पॉलिसी आई थी तो काफ़ी कंट्रीज ने क्या करा था, साउथ अफ्रीका से ना रिश्ता ही खत्म कर दिया था, क्योंकि साउथ अफ्रीका में ज़्यादातर क्या मतलब ब्लैक लोग साउथ अफ्रीका में है, तो क्या करा वाइट लोगों ने साउथ अफ्रीका से रिश्ता खत्म कर दिया था. तो इसमें नेल्सन मंडेला बोल रहा है, हम जिन मतलब हम लोगों को बिल्कुल कॉर्नर, जब हम लोग लेफ्ट आउट फील कर रहे थे, हम लोग को बिल्कुल कॉर्नर कर दिया था. हैव टुडे बीन गिवन रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल. हमको अभी प्रिविलेज मिल रहा है कि हम हमारा पूरा नेशन है हमारी खुद की मिट्टी पर होस्ट कर रहे हैं. ठीक है, We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after a common victory for justice, for peace, for human dignity. अब वो क्या है, वो सबको थैंक यू बोल रहा है, सारे जो लोग आए हैं अलग अलग कंट्रीज से, जितने भी लोग आए हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस आए हैं, वो सबको international guest we can say सबको thank you कर रहा है कि वो उनकी कंट्री में आए हैं और टेक पोजेशन विद द पीपल, उनकी खुद उनके जो लोग हैं अफ्रीका के जो लोग हैं उनके साथ मिल के वो पोजेशन ले रहे हैं. आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, इन सबका क्या है रीजन, इन सबका जो कंक्लूजन है वो क्या है, अ कॉमन विक्ट्री, अ कॉमन विक्ट्री ऑफ व्हाट, जस्टिस फॉर पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी. ठीक है, We have at last achieved our political emancipation. Emancipation means freedom from restrictions. काफी क्योंकि ब्लैक पीपल पे इतने restrictions होते थे पहले, इतने ज़्यादा restrictions होते थे कि लोग ये नहीं कर सकते, लोग यहाँ नहीं जा सकते, लोग इनके साथ नहीं रह सकते. ठीक है, मतलब उनको ना बिल्कुल ही जात बाहर कर दिया था. ठीक है, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, हमको पॉलिटिकल फ्रीडम, उनको ना पॉलिटिकल फ्रीडम मिल गई है, क्योंकि नेल्सन मंडेला जो प्रेसिडेंट बना है ही इज ऑल्सो ब्लैक, तो वो सबको अपने जितने भी ब्लैक लोग हैं साउथ अफ्रीकन्स जो है उन सबको अपने अपने राइट दिलाएगा, सारे रिस्ट्रिक्शंस जो है वो सब खत्म हो जाएंगे. वी प्लेज आवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कॉन्टिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, deprivation, suffering, gender and other discrimination. Deprivation state of not having one's rightful benefits, discrimination being treated differently or unfavorable. ठीक है, हम अभी शपथ लेते हैं कि अब to liberate all our people, हम हमारे सारे जो लोग हैं जो कि from the continuing bondage of poverty, जो मतलब गरीबी, डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी जो बॉन्डेज थी, जो ये सारा दबाव था, इन सब से ना छुटकारा पा लेंगे अब ये. ठीक है, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ नो ऑफ वन बाय अनदर. ये वही लाइन जो इसने फर्स्ट टाइम फर्स्ट ये वाली जो लाइन एड्रेस करी थी ना, ये वही लाइन है कि अब कभी कभी भी जो हमारे कंट्री के जो लोग हैं कभी भी टॉर्चर ना एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, इतने सुंदर शहर, इतने सुंदर कंट्री में कभी हम टॉर्चर एक्सपीरियंस नहीं करेंगे. द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका. यही थी नेल्सन मंडेला की स्पीच, वेयर द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट. तो अब जो अचीवमेंट मिली है साउथ अफ्रीका को, ये ना एक सॉर्ट ऑफ रिलीफ हो गया, क्योंकि इतने टाइम तक क्या हुआ, साउथ अफ्रीका को बहुत टॉर्चर करा गया था बाय वाइट पीपल, बहुत डिस्क्रिमिनेट करा गया था, इतना ज़्यादा रेसिज्म बहुत ज़्यादा हो गया था. ठीक है, तो इतना कुछ सहने के बाद, इतना टॉर्चर सहने के बाद, इतने ऑपरेशन सहने के बाद, जो मंडेला है व्हेन ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, उसने डेमोक्रेटिक कंट्री बना दी साउथ अफ्रीका को, अपने लोगों के लिए उसने शपथ ली कि मैं पूरी इनकी हेल्प करूँगा, ना कोई डिस्क्रिमिनेट, ना कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा, कोई
मतलब कुछ भी गलत होने ही नहीं दूंगा मैं साउथ अफ्रीका वालों से, क्योंकि इन्होंने काफी सालों से, काफी डिकेड से बहुत कुछ सहा है और अब ये सब खत्म हो जाएगा। एक आशा की किरण आई है जो कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है, अ रे ऑफ होप। नाउ ओरल कंप्रेहेंशन चेक, लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चंस। सी, ये इट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद क्या होगा, फर्स्ट पार्ट के बाद, इसके बाद मैं वर्ड मीनिंग्स लगाऊंगी, ठीक है, वर्ड मीनिंग्स का कुछ आपको मतलब समझाऊंगी, क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसे वर्ड मीनिंग्स हैं जो मे बी मैंने नहीं बताए होंगे, बाकी कुछ कुछ मैंने हार्ड बता दिया है, कुछ कुछ मैंने नहीं बताए होंगे, तो मैं सारे वर्ड मीनिंग्स एक बार आपको ना वी विल गो थ्रू देम, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, इसके क्वेश्चन एक बार हम देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम वर्ड मीनिंग्स करेंगे, फिर इसका हम सेकेंड पार्ट करेंगे। आई गेस फर्स्ट पार्ट, लेट मी चेक, हाउ वट एवर इट इज, ये फर्स्ट हमारी एक्टिविटी से पहले का पार्ट हो चुका है। वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। सैंडस्टोन एक पत्थर है, ठीक है। अभी पूछ रहा है कि जो सेरेमनी थी कहाँ पे हुई थी। सारे क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिलेगा आपको, ऊपर वाले पैराग्राफ में सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। मैं एक बार क्वेश्चन आपको समझा देती हूँ कि सेरेमनीज कहाँ पर हुई थी, पता है ना। कैन यू नेम, अब इंडिया में कोई सैंडस्टोन से बनी हुई बिल्डिंग है उसका नाम लिखिए। कैन यू से हाउ टैन मे इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका, जो टैन मे है वो ऑटम डे कैसे है साउथ अफ्रीका का, क्योंकि उस दिन बहुत अच्छा हुआ था साउथ अफ्रीका के लिए, इनॉग्रेशन था। एट द बिगनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, वॉट डज ही मीन बाय दिस, वॉट इज अ ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड। स्पीच, जब उसने अपनी स्पीच दी थी तो उसकी शुरुआत में क्या हुआ था, नेल्सन मंडेला ने एक लाइन बोली थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। वो क्या ह्यूमन डिजास्टर क्या था, टॉर्चर, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म, ये सारी चीजें ह्यूमन डिजास्टर के अंदर आएगी। सो यू गाइज नीड टू एलैबोरेट दोज थिंग्स। और फिर लास्ट में उसने इसके पॉजिटिव लाइन बोली थी, ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट कैसे बोली थी, बिकॉज ही हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। क्योंकि क्या होता है, वो खुद ब्लैक है ना, तो वो सामने जो अपने साउथ अफ्रीका वाले लोग हैं उनकी जो फीलिंग्स है वो अच्छे से समझेगा। साउथ अफ्रीका के सारे लोग ब्लैक है, अगर कोई वाइट पीपल प्रेसिडेंट बनता है तो ऑब्वियसली बात है वो नहीं समझेगा, वो खुद भी डिस्क्रिमिनेशन करेगा। तो इस चीज़ का ना प्लस पॉइंट हुआ था, ठीक है। वॉट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ, इंटरनेशनल लीडर्स को मंडेला ने क्यों थैंक यू बोला। वॉट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए उसने क्या क्या आइडियल्स सेट करे थे। ऑलराइट, सो लेट्स नाउ वी विल स्टडी अबाउट फ्यू वर्ड मीनिंग्स। जितने भी इसमें वर्ड मीनिंग्स आए, हार्ड वर्ड मीनिंग्स, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो ये हमारे वर्ड मीनिंग्स हैं, ये सारे वर्ड मीनिंग्स मैंने जो आपको पढ़ाया था पैराग्राफ, उनके अंदर सारे वर्ड मीनिंग्स आए थे। एक एक वर्ड मीनिंग का मतलब समझा रही हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी कि कौन सा वर्ड, अब जैसे मैंने एम्पी थिएटर बोला, एम्पी थिएटर कौन से पैराग्राफ में आया था, कौन सी लाइन में आया था, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एम्पी थिएटर लार्ज ओपन थिएटर, बहुत बड़ा ओपन थिएटर है। डिग्नेटरीज एमिनेंट पर्सन, हाँ, उच्च पद के जो लोग होते हैं वो। ऑपरेशन टॉर्चर, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। जुबिलेंट मतलब जॉयफुल और हैप्पी। डॉन्ड मतलब केम आउट, डॉन्ड इज केम आउट। बिसीज्ड सराउंडेड, ही वॉज बिसीज्ड बाय इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस और डिग्नेटरीज। Decades, period of 10 years, time of 10 years or period of 10 years. Supremacy, being superior, ठीक है, superior होना। Installation, placement, ठीक है। Non-racial, raceless, non-racial वही ना, कोई discrimination नहीं हो रहा है। Uphold, to keep up, बांधे रखना, पकड़े रखना। Well-being, state of cheerfulness, बहुत खुश, बहुत cheerful वाली जो feeling होती है, that is called well-being. Glory, grace,
आउटलॉज दोज हु डू नॉट ऑब्जर्व लॉज और रूल्स, जिनको मतलब लॉज और रूल्स वो ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं. रेयर प्रिविलेज अनकॉमन राइट, अनकॉमन राइट इज कॉल्ड रेयर प्रिविलेज. प्रिविलेज इज राइट, हक. डिस्टिंग्विश मतलब वेरी फेमस, बहुत ज्यादा फेमस. पोजेशन मीन्स कंट्रोल. इमेंसिपेशन मीन्स फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस, लिबरेशन. वही आज़ादी, लिबरेशन, आज़ादी. सारे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनसे फ्रीडम, क्योंकि ब्लैक पीपल्स पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थे एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. बॉन्डेज मतलब स्लेवरी, स्लेव मतलब किसी के नौकर नहीं होते वो. डेप्रिवेशन स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस बेनिफिट. डेप्रिवेशन मतलब कोई एक बेनिफिट, मतलब किसी का, किसी एक के पास बेनिफिट ही नहीं होना, किसी एक का बेनिफिट नहीं होना, सॉरी. डिस्क्रिमिनेशन स्टेट ऑफ बींग ट्रीटेड डिफरेंटली. वही वही टाइम जब अलग मतलब बहुत ही डिफरेंट ट्रीट करता है. वाइट पीपल है, ब्लैक पीपल है, दोनों में काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता है. ग्लोरियस ब्यूटिफुल ग्रैंड, सुंदर. और मतलब रिस्पेक्ट एंड फियर. अभी ये जो ग्लोरियस तक मैंने आपको पढ़ा दिया था, ठीक है, अब यहाँ से नीचे जितने भी वर्ड मीनिंग्स हैं ये दूसरे पैराग्राफ में, लेट्स गो थ्रू दैम. वो मतलब रिस्पेक्ट एंड फियर. स्पेक्टैक्युलर अरे, अट्रैक्टिव डिस्प्ले. ट्रूप कैरियर्स, व्हीकल्स कैरिंग सोल्जर्स, पिन पॉइंट पोजिशंस, कंप्लीट परफेक्ट ऑर्डर्स. सी यहाँ तक मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी, ठीक है. ग्लोरियस तक आप ये वर्ड मैंने ग्लोरियस तक अभी पढ़िए. अब हम इसका सेकेंड पैराग्राफ पढ़ेंगे ना, फिर हम इसके सारे वर्ड मीनिंग्स पढ़ेंगे.